हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी पार्लर। में मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई ब्यूटी रेमेडी लेकर, वो भी सिर्फ आपके लिए। नारियल तेल को हम सब इस्तेमाल करते हैं और ये भी जानते हैं कि नारियल तेल के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो नारियल तेल को एक नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नारियल तेल का स्क्रब। फ्रेंड्स, नारियल तेल आप लोगों ने इस्तेमाल करा होगा, कई बार हम उसे चोट पे भी लगाते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि नारियल तेल के इस्तेमाल से हम घर बैठे स्क्रब भी बना सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नारियल तेल का स्क्रब कैसे बनाते हैं और कैसे उसे इस्तेमाल करना है। पर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और बेल के बटन को प्रेस कर दें मेरे सारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आपको नारियल तेल का स्क्रब बनाने के लिए इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें ऐड करूंगी नारियल तेल। तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है लगभग एक चम्मच नारियल तेल। आप कोई भी नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में नारियल तेल आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि डार्क नेक की समस्या दूर हो जाए। कई बार हम देखते हैं कि गर्दन के आसपास की त्वचा काली हो जाती है, चेहरे की त्वचा के साथ साथ, तो कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? तो ये वीडियो उसी के लिए ही है कि कैसे आप अपने डार्कनेस से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी होममेड स्क्रब की मदद से। और ये चीजें आपके शरीर पे मौजूद कालेपन को दूर करेगी और ये मेरी गारंटी है क्योंकि इसे मैंने इस्तेमाल करा है। तो आपका नारियल तेल का स्क्रब तैयार है, तो इन दोनों को मिक्स कर लें। आप चाहें दोस्तों तो इन दोनों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और नहाने से पहले इसे स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल करिए। इसे रेगुलर इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपकी गर्दन के आसपास का मौजूद कालापन या फिर आपकी कोहनियों में मौजूद कालापन दूर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी स्किन काफी ग्लोइंग हो जाएगी और ब्राइटनिंग भी होगी। स्क्रब आप अपनी उंगलियों की मदद से अपनी स्किन पे लगाएंगी। ये स्क्रब आपको अपने हाथ में ले लेना है और लेने के बाद इसे आपको अपनी स्किन पे लगाना है। आप इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से जा सके। दोस्तों, आप कह रहे हैं कि इसे इस्तेमाल करने से आपकी डेड स्किन तो हटेगी, साथ के साथ आपके स्किन पे मौजूद एक कालापन जाने के बाद एक ग्लो भी आएगा। तो ये फेस स्क्रब आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को डेफिनेटली सूट होगा और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना प्यार हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।